हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तारोस रिवॉर्ड स्टोरी। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिलसाइड। तारो जो है अपने मम्मी पापा के साथ एक हिलसाइड पर रहता था। वो पूरा दिन लकड़ियां काटता रहता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी उनके पास बहुत कम पैसे थे, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो चाहता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें सब कुछ लाकर दे सके। ऑन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिकेम टू ब्लो। इट whistled थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड everything felt वेरी कोल्ड। एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घाट के बाहर बैठा था तो हवा बहुत जोर से चलने लगी, जिसकी वजह से अचानक से ठंड हो गई। तभी तारो के फादर ने कहा कि काश मैं एक कप साकी पी सकता और अपने आप को इस सर्दी से बचा सकता। साकी जो है एक जापानीज ड्रिंक है जो कि गर्म होती है और इसे सर्दी से बचने के लिए पिया जाता है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तारो को बहुत बुरा लगा क्योंकि जो साकी ड्रिंक थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, काफ़ी महंगी थी। अब उसे लगा कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ ताकि मैं अपने फादर को वो ड्रिंक लाकर दे सकूं। और वो अपने आप से यह सवाल करता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल। वो सुबह जिस समय उठता था उससे थोड़ा जल्दी उठ गया एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में चला गया। वहाँ उसने लकड़ियाँ काटी एंड ही वॉज वॉर्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। वो गर्म मतलब लकड़ियाँ काट रहा था तो इतनी उसे मेहनत करने की वजह से उसकी बॉडी में उसे गर्मी लगने लगी तो उसने अपनी जैकेट उतार दी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। स्वेट होता है पसीना। तो जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो लकड़ियाँ काटते काटते उसका मुँह सूख गया और उसका गला सूख गया और उसका जो फेस था वो पसीनों से भर गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। तो वो ये सोचता है कि काश मेरे पिताजी भी मेरी तरह, मतलब उनको मेरी तरह गर्मी महसूस हो और उन्हें ठंड ना लगे। एंड विद ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर। तो उसे वो फिर और ज़्यादा जल्दी जल्दी लकड़ियाँ चॉप करने लगता है, काटने लगता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी द ही मस्ट अर्न टू बाय द ड्रिंक टू वार्म ओल्ड मैन्स बोन। तो वो सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, इसके लिए वो जल्दी जल्दी सारी लकड़ियाँ काटने की कोशिश करता है। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। अचानक से तारो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। उसे एक आवाज सुनाई दी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। उसे अचानक से आवाज आई तो उसे लगा कि क्या ये पानी गिरने की आवाज है। तारो वुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम। स्ट्रीम होता है नदी या झरना। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ही वॉज थ्रस्टी द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। तो तारो को याद नहीं आया कि कभी उसने इस जंगल में कोई झरना भी देखा था और वो बहुत प्यासा था तो उसने एक्स को नीचे रख दिया। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को नीचे रख दिया और दोनों हाथों से, और वो पानी की जहाँ से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में भागने लगा। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने देखा एक सुंदर सा छोटा सा झरना जो कि पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स।
नीलिंग होता है अपने घुटनों पे बैठ जाना, नीचे बैठ जाना। तो वो नीचे बैठकर उस पानी को देखता रहा और उसने फिर अपने दोनों हाथों से उस पानी को पिया। वॉज इट वॉटर और वॉज इट साकी? ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साकी इंस्टेड ऑफ कोल्ड वॉटर। उसने उस पानी को बार बार टेस्ट किया तो वो कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि क्या ये सच में पानी है या वो ड्रिंक, जापानीज ड्रिंक जो उसके फादर पीना चाहते थे जिसका नाम था साकी। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। पिचर होता है अ पॉट यूजुअली मेड विद मट, मतलब जो मटका हम जिसे कहते हैं। तारो ने जल्दी से अपना जो मटका उसके पास था, जो भी पॉट उसके पास था, उसने उसे उस पानी से भरा और वो जल्दी से घर भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साकी। जो उसके फादर थे वो बहुत खुश हो गए उस ड्रिंक को देखकर, उन्होंने उसे पिया। ओनली वन स्वैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। जैसे ही उन्होंने वो पहला एक घूट वो लिक्विड पिया, मतलब थोड़ा सा लिक्विड पीते ही वो जो भी ठंड लग रही थी, ठंड से वो शिवर कर रहे थे, शिवरिंग होता है ठिठुरना, तो वो चली गई एंड उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तो उसी दोपहर को एक नेबर जो है उनके घर के बाहर आते हैं तो वो पूछते हैं तारों के फादर से। तारो के फादर उनसे उन्हें साकी ऑफर करते हैं, मतलब उन्हें कहते हैं कि आप भी पीजिए, और वो लेडी जो है वो पी लेती है और वो उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोलती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर जो तारो होता है वो उनको स्टोरी सुनाता है कि कैसे उन्हें जंगल के बीच में एक वाटरफॉल मिला और उसका जो पानी है उसका टेस्ट साकी की तरह है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। वो ड्रिंक पीने के बाद जल्दी से भागती है। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। तो वो क्या करती है कि जल्दी से चली जाती है और उसके बाद रात तक वो सारे गांव में ये खबर फैला देती है। कौन सी खबर? कि तारों को एक मैजिक वाटरफॉल मिला है जंगल में जिसका टेस्ट, जिसमें पानी की जगह साकी साकी है। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर ऑफ द वुड कटर्स हाउस। बहुत लोग उसके घर में आते हैं, तारों के घर में, और वो उससे यही पूछते हैं कि ये क्या ये स्टोरी असली है। और वो फिर एक उसको बोलते हैं कि हमको भी वो पानी पिलाओ जो तुम वहां उस जंगल से लेकर आए हो। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। आवर होता है घंटा। आधे घंटे से भी कम समय में जो मटका था जिसमें तारों ने साकी लेकर आया था वो अपने फादर के लिए, वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर फॉर द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तारो और भी जल्दी उठकर जंगल में काम करने के लिए निकल जाता है और वो इस बार अपने साथ सबसे बड़ा पिक्चर, सबसे बड़ा मटका जो उसके पास होता है वो ले जाता है। और वो सबसे पहले चाहता है कि मैं जाऊँ उस वाटरफॉल से पानी भर लूँ। पानी नहीं है, वो एक ड्रिंक है साकी, उसे उसका टेस्ट ऐसा लग रहा है। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबर्स देयर। जैसे ही वो जंगल में जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे तो जितने भी मेरे पड़ोसी हैं वो सब आए हुए हैं। When he reached it, they were carrying pitcher, jars, bucket, anything they could find to hold the magic sake. वो जितने भी उसके पड़ोसी हैं जो गांव वाले हैं वो सब लोग अपने साथ मटके बाल्टियां लेकर आए हुए हैं ताकि जिसमें वो जो साकी ड्रिंक है उसे भरकर अपने घर ले जाए।
देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वॉटरफॉल टू ड्रिंक। तो एक जो गांव वाला था उसने अपना हाथ से वो उस ड्रिंक को पीने लगा जहां पर वो झरना था। ही उसने बार बार पिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंगरली। एंगरली मतलब गुस्से में। उसने वो बार बार वो पानी पिया और उसने गुस्से में बोला, वॉटर नथिंग बट वॉटर। उसने यही बोला कि ये पानी है और कुछ नहीं, बस ये पानी है। बाकी लोगों ने भी ये ट्राई किया बट देर वॉज नो साकी ओनली कोल्ड वाटर। तो सब लोगों ने यही कहा कि ये सिर्फ ठंडा पानी है, साकी नहीं है। वी हैव बीन ट्रिक्ड। वी हैव बीन ट्रिक्ड। ट्रिक्ड मतलब कोई जब हमें पागल बना देता है, हमें छल लेता है, ये ट्रिक्ड का मतलब है। तो वो कहते कि हमें हमें पागल बनाया गया, हमें छल लिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज तारो। उन सारे विलेजर्स ने बोला कि तारो कहाँ है। लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वॉटरफॉल। ड्राउन, ड्राउन इज द थर्ड फॉर्म। हम सब मिलकर उसे इस झरने में डुबा देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। पर तारो जो था वो एक बड़े से पत्थर के पीछे या पहाड़ के पीछे छुपकर ये सारी चीजें देख रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। मटरिंग होता है मतलब बड़बड़ करना, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं बड़बड़ करना, जब हम कुछ बोलते हैं जो कि क्लियरली नहीं किसी को समझ में आता ना सुनाई देता है बट हम ही उसे समझ पाते हैं। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। सभी विलेजर्स जो है वहां से एक एक कर चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ड्रीम? वॉज द साकी अ ड्रीम? उसे तारो को ये लगने लगा कि क्या उसने ये कोई सपना तो नहीं देखा था। वंस मोर ही गॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप। एक बार फिर से उसने थोड़ा सा पानी या लिक्विड जो भी वो था उसे पिया। इट वॉज द सेम फाइन साकी। तो उसे उसका टेस्ट फिर से साकी की तरह ही लगा। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वॉटरफॉल गेव द डिलीशियस साकी। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। तारो जो था वो एक थॉटफुल सन था। थॉटफुल मीन्स जो थॉटफुल सन मीन्स जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था, उनकी केयर करता था। तो उसे उसका टेस्ट साकी की तरह लगता था बट बाकी सभी लोगों को ठंडे पानी की तरह, क्योंकि वो सब लोग ग्रीडी थे, वो लालची थे, इसलिए उन्हें उस पानी का टेस्ट साकी की तरह नहीं लग रहा था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वॉटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। एम्परर होता है राजा या किंग। जो स्टोरी थी तारो की और उसके मैजिक वॉटरफॉल की वो राजा तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम फॉर द 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो राजा ने उसके तारो के लिए उसे रिवॉर्ड देने के लिए, रिवॉर्ड मतलब इनाम देने के लिए 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 सोने के आइटम्स उसे दिए था, क्योंकि वो इतना अच्छा था और इतना दयालु था। काइंड मीन्स दयालु। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। इसी की वजह से उन्होंने जो सबसे सुंदर फाउंटेन था, झरना था शहर में, उसका नाम तारो रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ऑनर होता है मान सम्मान करना, किसी का इज्जत देना, और ओबे का मीन्स होता है मानना, किसी जो हमें बोला जाता है वो हम करते हैं। तो राजा ने यही सब यही डिक्लेयर किया, यही सबको कहा कि हमें बाकी बच्चों को भी, चिल्ड्रंस भी बच्चे, बाकी बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करें और उनकी बात माने। I hope you like this video. Please subscribe to my channel, share and comment. Thank you.